अजमेर की जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम सभा 27 सितंबर को सुबह 11 बजे जवाहर रंगमंच पर आयोजित होगी। सरसडेरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि कल आयोजित होने वाली आम सभा के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित शामिल होंगे। साथ ही कहा कि बीते आम सभा 23 अक्टूबर 2022 की कार्रवाई एवं अनुमोदना पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही संघ के ऑडिट प्रतिवेदन एवं ऑडिट अनुपालन के अनुमोदन पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं इस दौरान रामचंद्र चौधरी ने कहा कि संघ बोर्ड द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल सदस्यों के खर्चों का अनुमोदन और संघ के वर्ष 2023 से 24 एवं वर्ष 2024 से 25 के वार्षिक बजट और कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में अजमेर डेयरी डोर टू डोर जाकर हर घर में दूध उपलब्ध कराएगी। सरस का दूध हर घर पहुंचना ही संघ परिवार का मकसद है। साथ ही कहा कि अजमेर डेयरी आने के लिए एकमात्र रास्ता है जिस पर पुलिया के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन रेलवे और इस बार सिटी के चलते ये कार्य पिछले 7 सालों से अधूरा पड़ा है, जिससे डेयरी पर आने वाले वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। यदि सभी सदस्यों की आम सभा में रजामंदी होती है तो हम इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। डेयरी वाली साइड है, गांव के बीच में बस स्टैंड चौक था। ये पीडब्ल्यूडी ने सड़क की खुदाई तो कर ली, एस्टिमेट भी कर लिया, जो भी पूरी या संदर्भ में जो काम किया उसका नाम सभा में पारित कर 24-25 के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं उसका वर्ष।